हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नितिन मित्तल। फ्रेंड्स, ये कुछ नए शेयर्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए, 15 से 19 जुलाई के लिए। तो इन शेयर्स को हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीक में अच्छा मूव दे सकते हैं। ये सबसे पहला शेयर है हिकाल। इसका ये मंथली चार्ट है, मंथली का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ये। इसको हम डे लेवल पर देखेंगे। डे लेवल पर भी देखिए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ये यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है। ये 378 और उसके बाद मंथली पर हम दोबारा से आएंगे, उसके बाद ये आराम से 421 और फिर 456 तक का मूव दे सकता है। तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे, इसमें एक अच्छा मूव आने की उम्मीद है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर हमारा है रेन इंडस्ट्रीज़। ये इसका मंथली चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, ये इसको करेगा और उसके बाद ये ऊपर निकल सकता है। और इसके अलावा ये शेयर देखिए, ये आपका डे लेवल पर है। डे लेवल पर ये चार्ट यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ ट्रेंड लाइन के ऊपर। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो उसके बाद ये अच्छा मूव देगा। तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। और इन सब में मैं अभी आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। ब्लू स्टार, ये ब्लू स्टार में अभी थोड़ा वीक है, यहाँ पे एक इसने बियरिश कैंडल बनाई है। उसके बाद हो सकता है ये थोड़ा और नीचे यहाँ तक आए 1659 के आसपास, तब हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, या फिर ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए 1758 1778 80 के लेवल को। इन दोनों में से जब भी कुछ होगा, कोई सिनेरियो होगा, तभी हम इसमें बाइंग प्लेस करेंगे। और इसमें बाइंग प्लेस करने का तरीका ये रहेगा कि अगर हम 1780 के आसपास बाइंग लेते हैं तो हमारा SL रहेगा 1700 का, और अगर हम यहाँ पर बाइंग प्लेस करते हैं 1656 के आसपास तो फिर हमारा SL रहेगा 1599 1598 रुपये का। ऐसे ही नेक्स्ट शेयर है टेक महिंद्रा। इसका चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें एक अपर ट्रेंड लाइन है, ये अपर ट्रेंड लाइन पर ये बार बार अटक रहा है, यहाँ अटका यहाँ अटका यहाँ अटका। अब उसके बाद ये यहाँ पर फाइनली एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, और आईटी सेक्टर से है तो आईटी सेक्टर अभी चल भी रहा है, तो उम्मीद है ये मंडे को ब्रेकआउट दे के ऊपर निकल जाएगा। अगर ये ऊपर निकलता है यहाँ से मंडे को, तो ये मंथली चार्ट है, तो मेरा जो अजम्पशन है, मैं जो समझता हूँ, ये 1674 1691 का रेट आराम से दे सकता है नेक्स्ट वीक में। उसके बाद है EID पैरी। EID पैरी का चार्ट जो है, ये मंथली चार्ट है, इसको आप देखिए, ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है ये स्टॉक। तो इसके अंदर जो ब्रेकआउट का लेवल है हमारा, वो पिछली कैंडल जो इसने ब्रेकआउट दिया था वो है 833 का। तो इट मींस कि हमारा पहला टारगेट तो 833 का ही रहेगा, और उसके बाद अगर और ऊपर जाता है तो हम इसको ट्रेल करते जाएंगे। और इसमें पोजीशन बनाने का तरीका ये रहेगा कि इसमें हम 783 के आसपास एक अपना SL बना के जस्ट बिलो दिस कैंडल जहाँ पर ये ब्रेकआउट है, और उसके बाद हम इसको ट्रेल करते जाएंगे। और ये एक अच्छा शेयर है, इसको हम ले सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए दोबारा से चार्ट को, और ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरह की, ये सिर्फ मैंने अपने चार्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इनमें किसी भी तरह का कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसमें लॉस एंड प्रॉफिट आपका होगा, उसकी मेरी कोई भी किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।